हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द मिशलैन। कैसे हो आप सब गाइस? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेबी प्रोडक्ट्स हॉल। ये एक अनदर हॉल है। इसके पहले भी मैं हॉल वीडियो शेयर कर चुकी हूँ एंड एक रिकमेंडेशन वीडियो शेयर कर चुकी हूँ एंड ये मेरा थर्ड हॉल है, थर्ड वीडियो है बेबी प्रोडक्ट से रिलेटेड। मैं कुछ ना कुछ परचेस करती रहती हूँ बट मैं आप लोगों के साथ सिर्फ वही प्रोडक्ट शेयर करती हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसे ही एक वीडियो में आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल पे अभी विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। गाइस, सबसे पहले मैं जो आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ वो है ये बुक। ये फिंगर पपेट बुक है, लाइक दिस। यहाँ पे ये रहा होल है जहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इस कैटरपिलर को। एंड ये इनिशियली ये बुक बहुत ही मुझे सही लगा। ये देखिए इस तरीके से है, ये यहाँ से आप इस तरीके से अपने बेबीज को मतलब इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। मेरी बेबी को ये बहुत पसंद है, स्पेशली ये जो फिंगर पपेट है ये उसको बहुत पसंद है ये, और वो बार बार चाहती है कि इसको यूं करके पकड़ना। पकड़ भी लेती है वो। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मेरी बेबी बहुत छोटी है, मैं अभी से क्यों उसको बुक के साथ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी बेबी जो है वो कार्टून अभी से देखें, टीवी अभी से देखें। हर चीज़ का एक टाइम है, हर एज है, ये एज नहीं है, ये जो है ये फाउंडेशन टाइम है। मैं अपनी बेबी को जैसा जो सिखाऊंगी वो उसी हिसाब से वो सीखेगी। तो मैं चाह रही थी कि मैं कार्टून और टीवी से हटके अपने बेबी को कुछ अलग सिखाऊं, कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें सिखाऊं जो कि अभी से उसके लिए आगे जाके काम आएगा। तो इसलिए मैंने ये बुक लिया है, फिंगर पपेट बुक। ये बहुत अच्छा है, ये बोर्ड बुक टाइप है। ये देखिए इस टाइप से, ये रहा इस टाइप से बुक है ये। ज़्यादा इसमें नहीं है क्योंकि ये काफ़ी जो इसके जैसे कि मैंने पहले मेंशन करा ये बोर्ड बुक है तो इतने ही है इसमें। ये रहा, ये फाइनल है, ये फाइनल है, बस इतना ही है इसमें। एंड अभी छोटी सी 5 मंथ्स की बेबी है मेरी, उसके लिए इतना डोज सही है। आई थिंक इससे ज्यादा वो ले नहीं पाएगी और इतना काफी है। वो एटलीस्ट इसके साथ खेलती है, वो कैटरपिलर को पकड़ने की कोशिश करती है। तो एंड मुझे ये बुक बहुत अच्छा लगा। जो मम्मी मेरी तरह सोच रखते हैं कि इस टाइम पे कार्टून या टीवी नहीं अपने बेबी के सामने नहीं लाना चाहते हैं बेबी को इनके सामने, तो वो इस टाइप का कुछ ट्राई करके देखिए। पर काफ़ी लोग, आप लोग ये भी कहिए कि पढ़ने के लिए पूरी उम्र है, अभी से क्यों? एग्जैक्टली, पढ़ने के लिए पूरी उम्र है, खेलने के लिए भी पूरी उम्र है, कार्टून देखने के लिए भी पूरी उम्र है। बुढ़ापे में भी हम कार्टून देखते हैं, मैं अभी भी कार्टून देखती हूँ। वो टॉम एंड जेरी मुझे अभी भी बहुत पसंद है, मैं अभी भी देखती हूँ। बेबी को नहीं देखने देती पर मैं खुद देखती हूँ। तो हर चीज़ के लिए पूरी उम्र है, बट डिपेंड करता है कि आप फाउंडेशन कैसे क्रिएट करते हैं। मैं अपना फाउंडेशन जो है अभी से जो बेस है बेबी का वो बुक्स के साथ करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये बुक परचेज करी है। तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, 350 रुपीज़ है। द वेरी हंगरी कैटरपिलर्स, इसके काफ़ी सारे वेरियंट है। टच एंड फील वाला वेरियंट है, ये 1, 2, 3 फिंगर पपेट वाला है, और भी इसके वेरियंट है। बट मुझे लगा कि फिंगर पपेट से जो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इस तरीके से। निकल ये रहा, ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इस तरीके से, इसलिए मैंने ये वाला परचेज किया है। अमेजोन में ये अवेलेबल है, ऐसे काफ़ी सारे वेरियंट है, जो भी आपको पसंद है आप वो परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया है वो है ये सिलिकॉन स्पून। अभी ये सेटअप 2 है, लव लैब का है ये सेटअप 2। ये मैंने एक निकाल लिया है यहाँ से, ये सिलिकॉन है, इस टाइप से प्लास्टिक नहीं है, सिलिकॉन है, ये रहा। एंड इसकी खास बात ये है कि अगर मैं अपनी बेबी को कुछ ऐसा गर्म खिला रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसका जो टिप है ना, ये जो ये वाइट हो जाता है, और बहुत ज़्यादा अगर ठंडा होता है कुछ भी तो तब ये कलर चेंज हो जाता है। तो उस केस में मुझे समझ में आ जाता है कि अभी बेबी को नहीं देना है, ये उसके लिए सही नहीं है। या तो बहुत ज़्यादा गर्म मैं नहीं दूंगी या बहुत ज़्यादा ठंडा भी मैं नहीं दूंगी। अभी मैंने उसको एप्पल प्यूरी, बनाना प्यूरी ये सब स्टार्ट किया है, तो वो मैं इससे उसको देती हूँ।
एंड ये इसके जो सिलिकॉन टिप है इस वजह से उसके जो गम्स है उसमें भी ये हार्श नहीं होते। अगर कभी कभी खिलाते टाइम अगर नो थोड़ा सा लग भी जाए तो उसको दर्द नहीं होगा, लगेगा नहीं मतलब गम्स में उसके, इसलिए मैंने ये बाय किया है। ये लव लैब का है, ये आई थिंक 100 123 या 150 रुपीज का है ये सेट ऑफ टू। नेक्स्ट मैंने जो परचेज किया है वो है ये टीथर, ये भी पैक में आया था बट क्योंकि अभी मेरी बेबी इसको यूज कर ली तो मैंने वो खोल लिया एंड मैंने इसका जो पैकेजिंग है वो भी फेंक दी है, गलती से फेंक दी है, अदरवाइज मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करती कि एग्जैक्टली कैसा दिखता है ये। ये टीथर है, ये भी सिलिकॉन बेस है, यहाँ पे छोटे 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 डॉट्स बने हुए हैं। ये बेबी को कब दें, एक सर्टेन टाइम के बाद, मतलब मेरी बेबी को अभी से हो रहा है कि उसके गम्स में ना वो चाहती है हर वक्त कुछ चबाना तो वो ये उंगली डाल के चबाती रहती है। मुझे ये चीज कुछ नहीं पसंद कि बच्चे उंगली डाल के चबाए, बहुत क्यूट लगते हैं आई नो, पर वो फिर चबाते चबाते ना कुछ ज्यादा ही फिर वो चूसने लगती है अपनी उंगलियों को, तो वो चीज मैं नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने ये टीथर ऑर्डर करा था। तो और इसमें क्या है, और भी वेरिएंट है बट यहाँ पे ना ये गार्ड है, आप देखिए ये गार्ड है, इससे ज्यादा ना उसके मुंह के अंदर नहीं जाता है। और सिंपल स्टिक वाले भी थे जिसमें गार्ड नहीं था, तो मुझे लगा कि उसमें तो कुछ प्रोटेक्शन नहीं है, वो जितना मन चाहे उतना अपने मुंह के अंदर डाल सकती है, तो मैं ये चीज नहीं चाह रही थी इसलिए मैंने ये गार्ड वाला ऑर्डर करा। ये भी आई थिंक ये लव लैब का है या किसका है मुझे याद नहीं है, आई थिंक ये लव लैब का है। जो भी प्रोडक्ट्स हैं इनके परचेज लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं अगर इसमें से कोई भी प्रोडक्ट्स आपको अच्छा लगे तो। तो चलिए बात करते हैं फिर से प्रोडक्ट की। ये सिलिकॉन है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत स्मूद है, प्लास्टिक नहीं है एंड बेबी बहुत इजीली इसको एंजॉय करती है। मेरी बेबी तो काफी एंजॉय करती है, वो चबाती रहती है मतलब अन करती रहती है वो, तो बहुत वो मजेदार होता है देखना। तो ये रहा, अच्छा यहाँ पे एक होल बना हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पे एक धागे से बेबी के गले में लटका सकते हैं ताकि ना क्या होता है वो ऐसे पकड़ के कभी कभी यूं फेंक देती है, तो फेंकने के बाद क्या होता है उसको मुझे फिर से स्टेरिलाइज करना पड़ता है, फिर उसको देना पड़ता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि यहाँ से धागा डाल के आप उसको गले में लटका दीजिए ताकि ना वो उसको फेंक भी दे तो स्टेरिलाइज ना करना पड़े, यानी गंदा ना करना पड़े, स्टेरिलाइज ना करना पड़े और ये गंदा ना हो। मैं भी यही ट्राई करूंगी, एक धागा इसमें लटका दूंगी एंड फिर मेरी बेबी, फिर मैं भी निश्चिंत रहूंगी कि हाँ ये गंदा नहीं होगा, अगर वो फेंक भी देगी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लटका रह गया गले में, तो ये है मेरा नेक्स्ट जो मैंने परचेज करा था वो, ये भी मैंने अमेजोन से परचेज किया है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट मैंने जो परचेज की है वो है ये लिटिल का बेबी वाइप्स। ये पैक ऑफ थ्री आया था, ये रहा पैक ऑफ थ्री, ये 1, 2 एंड ये 3, ये मैं यूज कर चुकी हूँ, ये ऑलमोस्ट खत्म है। वेल मैं जॉनसन बेबी से काफी सेटिस्फाइड थी, काफी हैप्पी थी, पर मैंने सोचा कि चलो कुछ और ट्राई करते हैं, तो मैंने ये लिटिल का बेबी वाइप्स ऑर्डर करा। ये आई थिंक 250 में पैक ऑफ थ्री मिला है, मुझे प्राइस याद नहीं है एग्जैक्टली क्या प्राइस था, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है वो, इसलिए क्योंकि जो इसके जो नैपकिन्स हैं, जो वाइप्स हैं, बहुत वेट हैं, बहुत मॉइस्ट रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट रहते हैं एंड सेकेंड जो है वो थोड़े से ना ये थोड़े से थिक है वाइप्स, बहुत पतला नहीं है, ड्राई नहीं है, थिक है, मॉइस्ट रहते हैं, हाइड्रेट करते हैं बेबी के स्किन को, बहुत इजीली क्लीन हो जाता है बेबी का स्किन एंड क्योंकि ये ज़्यादा ड्राई नहीं है तो बेबी के स्किन पे ये हार्श भी नहीं है, तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। ये सेम चीज़ जॉनसन बेबी में भी मुझे लगा एंड ये सेम चीज़ मुझे लिटिल में भी लगा, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा बेबी वाइप्स। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि जो लोग जॉनसन बेबी नहीं ट्राई करना चाहते वो एक बार लिटिल ट्राई करके देख सकते हैं, आई एम श्योर आप लोगों को ये अच्छा लगेगा ये बेबी वाइप्स, तो एक बार ट्राई करिए और मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट जो मैंने परचेस किया है वो है ये फ्लोटिंग डक्स। ये मैंने क्यों किया है, जब मेरी बेबी नहाती है बाथटब में तो क्या क्या है कि मेरा ये था कि मैं उसमें बाथटब में ये ऐसे डक्स छोड़ दूंगी,
ऐसा आवाज भी करते हैं, छोड़ दूंगी। तो वो नहाते टाइम ना वो इस चीज को एंजॉय भी करेगी। आप सोच रहे होंगे कि यार जब मैंने बुक वाली बात करी थी तब आपको लगा होगा यार कितनी रूड मदर है, खेलने नहीं देगी। यार खेलने का भी टाइम है, जब वो नहाएगी तब खेलेगी इस तरीके से। तो ये सेट ऑफ सिक्स है और ये इस तरीके से है ये डक्स। एंड आई थिंक ये रिसाइकल है या ऑर्गेनिक प्लास्टिक है, मतलब बेबी के लिए सेफ है ये, मैंने ये देख के परचेज किया था। तो सेट ऑफ सिक्स है ये और या ये 200 समथिंग 210 मुझे आया था ये वाला प्राइस जो है। ये डिपेंड करता है कि किस टाइम क्या ऑफर चल रहा है, अगर अभी इस टाइम ऑफर में होगा तो ये कम भी होगा। एंड मुझे भी डिस्काउंट में मिला था ये, एंड 210 rupees सही है सेट ऑफ सिक्स पीसेस के लिए। तो ये जब वो नहाती है मैं क्या करती हूँ इसको बाथटब में पानी में इसको इन सबको छोड़ देती हूँ एंड फिर वो बहुत मजा करती है, बहुत एंजॉय करती है। अभी जो उसका नहाना है ना, वो नहाना कम और खेलना ज्यादा हो गया है तो वो खेलती रहती है। तो मैंने इसका पैक जो है संभाल के रखा था क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था इसलिए। तो नेक्स्ट परचेजिंग मेरी ये है। ओके इसके अलावा मैंने ये परचेज किया है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है ये फ्रॉक। एक्चुअली थोड़ा कलरफुल है एंड उसको इस टाइप के कलर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ये रहा, ये कुछ इस तरह कुछ तकिया टाइप है, ये बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट टॉय है ये एक्चुअली। और इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है, मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिएगा। ये फ्लिपकार्ट से मैंने परचेज किया है ये। नेक्स्ट मैंने ये परचेज किया है अपने बेबी के लिए। अच्छा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद है ये। कभी कभी क्या होता है ना, मैं खुद इसके ऊपर सर रख के लेट जाती हूँ। क्या है, बेबी भी यूज कर लेगी और मैं भी यूज कर लूंगी तो चलता है यार, ठीक है ना। ये है ओके। लास्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये सिटिंग सोफा। ये देखिए इस टाइप से है ये सोफा। यहाँ पे जो है ये यहाँ पे ये एक सॉफ्ट सा है, यहाँ पे बेबी बैठ सकती है। यहाँ पे जो है ये रहा, यहाँ पे वो इस तरीके से बेबी अपने पैर निकाल देगी, बैठेगी तो यहाँ से पैर निकल जाएंगे उसके, ठीक है। वो इस टाइप से बैठेगी बेबी। मैं जो पिक्चर है बेबी का बैठा हुआ इसके ऊपर वो मैं शेयर कर दूंगी स्क्रीन पे यहाँ पे, तो आप देख लीजिएगा कि कैसा किस तरीके से बेबी को बिठाना है। ये इनिशियल स्टेज होता है जब बेबी बैठना सीखती है, मेरी बेबी बैठना चाहती है सीरियसली। वो 4 months कंप्लीट हुए थे, वो तब से बैठने के लिए जिद करती है। तो मैं क्या करती थी उसको इधर दो तरह से तकिया लगा के उसको मैं बिठाने की कोशिश करती, बट फिर भी ना वो ऐसे 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 हो जाती थी। तब मैं ना ऐसे सर्च कर रही थी कि बेबी इस टाइप से क्या चेयर या कुछ, एक्चुअली मैं चेयर के लिए सर्च कर रही थी, पर चेयर सर्च करते करते मुझे ये सिटिंग सोफा दिखा, ये वाला। ये काफी कुछ काफी वेरिएंट में था, एलिफेंट, ये है एलिफेंट में है, हॉर्स में था और भी काफी कुछ थे उसमें, बहुत कुछ था, पर मुझे ना ये एलिफेंट अच्छा लगा इसलिए मैंने एलिफेंट परचेज करा है बेबी के लिए। ये इस टाइप से चारों तरफ यहाँ पे ये रहा गार्ड मिल जाता है, बेबी बैठेगी तो इस टाइप से गार्ड, तो वो कहीं इधर उधर लुढ़केगी नहीं, यहाँ से उसको सपोर्ट मिल जाता है। ये रहा सपोर्ट, ये दोनों तरफ से सपोर्ट, पीछे यहाँ बैक में भी उसको सपोर्ट मिलता है एंड आगे वो इस तरह से छूट नहीं पाती है क्योंकि यहाँ पे ये हाथी वाक का सपोर्ट मिलता है। तो ये मुझे सोफा बहुत अच्छा लगा, ये स्पेशली मैं उन मॉमीज को जरूर 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 रिकमेंड करूंगी जो लोग इस टाइप से चाहते हैं कि बेबी बैठे, खुद से बैठना सीखे। एंड मैं क्या करती हूँ इसमें उसको बिठा के बेड के ऊपर ऐसे वो बैठी रहती है और मैं अब मेरे जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, मतलब मेरी नजरों के सामने ही रहती है वो, और उसके नजरों के सामने जो भी थोड़ा बहुत अरेंज करना हुआ चीजें, थोड़ा बहुत मेरे को अपने बाल काटने हुए या कुछ भी करना हुआ, तो मैं उसको इसमें बिठा के मैं वो आराम से कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये हाईली 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 रिकमेंड करूंगी मैं ये वाला प्रोडक्ट, जरूर परचेज कीजिए, जरूर परचेज कीजिए। ज्यादा इसकी कॉस्ट भी नहीं है, आई थिंक 699 का है ये, शायद याद नहीं है, मेरे ख्याल से शायद यही इतना ही प्राइस है इसकी।
तो जरूर आप ट्राई कीजिए ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है गाइस। तो ये रहा गाइस आज का बेबी हॉल जो मैंने परचेस किया है, जो मुझे अच्छा लगा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए नए आए हैं तो जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए इसको, ताकि आप लोग आए देखे, मुझे और एनकरेजमेंट मिले, मैं और अच्छे अच्छे इस तरीके से वीडियोस बना पाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है रियली। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।